हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो मैं हूँ ममता और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत से लोगों जो मेरी जानकारी में भी हैं वो भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत से। किसी को कब्ज की परेशानी है, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैं इसीलिए आए छोटे छोटे जो है आपको बहुत ही छोटे छोटे हाँ मैं बार बार छोटे छोटे क्यों कर रही हूँ वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। जी हाँ, छोटे छोटे से और घर में आपके किचन से लेकर आई हूँ नुस्खे, बहुत ही लाजवाब हैं, आजमाए हुए हैं। एक बार अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप ज़रूर आजमाइएगा। ये है छोटी हरड़ जो आप देख रहे हैं, छोटी हरड़ है। अगर आप छोटी हरड़ को हल्के में ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस गैस का इलाज किसी भी चीज़ से नहीं होता, चाहे तो आप ये छोटी हरड़, एक छोटी हरड़ लेके मुंह में डाल सकते हैं, सारा दिन इसके ऊपर पानी पी सकते हैं, सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो रात के टाइम सोने से पहले आप जो है इसे, या तो आप एक काम करें, एज के अकॉर्डिंग लें, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको, दो हरड़ पानी में ऐसे ही डाल दें, उसका पानी पी लें और हरड़ भी खा लें। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हरड़ नहीं खा सकते। जी हाँ, तो मैं उनके लिए लेके आई, ये देखिए आप, ये चार पांच हरड़ का ही चूर्ण है जो मैंने पीसा है, ये पीस लीजिए और इतना सा हरड़ आपने ये पानी में डिप कर देना है, पानी में डिप कर देना है, रख देना है और सुबह मॉर्निंग में खाली पेट आपको पीना है। हरड़ के और भी बहुत सारे फायदे हैं, एसिडिटी हो, खांसी हो, जुखाम हो, मोटापा हो, हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी रोगों में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है ये हरड़, बहुत सारी बीमारियों पर काम करती है, सूजन घाव में भी फायदेमंद होती है। और अगर आप इसको, मैंने ये सूखा भुना हुआ है क्योंकि किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी हो रही हो सकती है, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको घी में भूनकर बारीक पाउडर बनाकर भी गुनगुने पानी से ले सकते हैं क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी है। आप चाहें तो इसको तत्काल पी सकते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए इसको पीसा है। जी हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि आपके ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करेगी, लीवर को आपके शुद्ध रखेगी और खांसी, जुखाम और एलर्जी, बार बार आपको होने वाली छोटी छोटी बीमारियों से बचाएगी। सबसे बड़ी बात है ये छोटा सा आधा चम्मच हरड़ आपके हार्ट को भी हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हृदय रोगों के लिए। तो मैं इसी तरह की जानकारियाँ आपके लिए, छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे सब्सक्राइबर चले गए हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगी कि मेरे नए नुस्खों को देखकर वो वापस आएंगे। आप त्रिफला का सेवन करते हैं, ये जो है त्रिफला का ही एक हिस्सा है, आपको पता ही होगा। फिर त्रिफला कैसे बनाते हैं ये भी किसी दिन मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, क्योंकि त्रिफला बना बनाया मार्केट में मिलता जरूर है, लेकिन किस क्वांटिटी में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये बहुत फायदेमंद है। अच्छा, जैसे अपच है, बार बार खट्टी डकारें आ रही हैं, इसमें जो है आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक रहता है। हरड़ के पाउडर का जो आप अगर अपने में सेवन करेंगे, आपको गैस की बीमारी है, अपच है, कई बार लोग क्या करते हैं खा लेते हैं, इसके बाद जो है ये मत सोचिएगा कि खट्टा लगता है, कड़वा लगता है। जी हाँ, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा खा लोगे, आप कहीं बाहर जाओगे, तला भुना कुछ खाओगे तो आपके पेट में तो गड़बड़ होगी। और ख़ासकर 40 अबव, जी हाँ 40 प्लस के जो भी लोग हैं उनको अधिकतर प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं अपच हो गई, गैस हो गई, और गैस का जब दर्द होता है भाई साहब, ये नहीं पता आपको कि आपको जाता कहाँ है, वो पूरी बॉडी में पेन करता है। जी हाँ, आपको नहीं पता लगेगा, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, वो होता गैस का ही है। तो ये हरड़ आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण औषधि है, पोषक तत्वों से भरी पड़ी है, पेट साफ करने के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
पित्त को संतुलन में रखती है और बवासीर रक्तस्राव में भी आपको जो है फायदा पहुंचाती है। अगर आपके शरीर में कहीं सूजन है, घाव है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कभी भी हरड़ को खासकर पेट के मामले में हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब मैं लाती हूँ आपके लिए, चलिए ये तो अब हम हटा देते हैं, ये फर्स्ट नुस्खा है, इसको चाहे तो मैं यहीं साइड में कर देती हूँ। अब लेके आती हूँ मैं दूसरा। जी हाँ, ये देखिए मेथी है, मेथी है, अजवाइन है, आप देख रहे हैं, और हमें ये पानी में डालनी है। कितनी डालनी है इसकी क्वांटिटी? 2 से 3 पिंच के करीब, कम से कम 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, अब ये अजवाइन है, ये अजवाइन हमें डालनी है बस 1/4 स्पून। ठीक है, अब ये डाल के हमें रात को, ये भी हमें रात को भिगा के रखना है और सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। अगर आपको अपच की शिकायत रहती है, बहुत ज़्यादा सुबह खुलकर पेट साफ नहीं होता है, दिक्कत आ रही है, बार बार जाना पड़ता है, एक बार में पेट साफ नहीं होता है, और दूसरी बात आपको कहते हैं बाएं बाद्दी की शिकायत रहती है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज्वाइंट पेन रहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और सर्दी में अगर आप इस पानी को सुबह सुबह जो है पी लेते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। मेथी और अजवाइन का पानी आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखता है। ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसी त्वचा संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये उसके भी बारे में फायदेमंद है ये पानी। ठीक है, आपको आज छोटे छोटे ऐसे नुस्खे बता रही हूं मैं जो आपके इसमें, क्योंकि घर के किचन से ही है हमारे, कहीं से बाहर से नहीं है ये, और हर घर में ये चीजें मिलती हैं, लेकिन इसके फायदे जबरदस्त हैं सच में। अगर आपको लगता है कि ये छोटा सा नुस्खा आपके लिए काम नहीं करेगा तो आप देखिए, अगर आप थुल थुल पेट से परेशान हैं अपने, तो उसके लिए भी इस पानी को पीकर देखिए, समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, आपका वेट लूज